वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने पीएम स्वनिधि योजना के लोन मेला का शुभारंभ किया। इस दौरान नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने पीएम स्वनिधि योजना के प्रदेश के लखनऊ सहित 11 जिलों के लाभार्थियों से वार्ता की तथा योजना के संबंध में जानकारी ली तथा उनके कार्यों से अवगत हुए। इस दौरान नगर विकास मंत्री ने मोहद्दीपुर चौराहे पर फास्ट फूड का ठेले पर व्यापार करने वाले नीरज चौधरी से वार्ता की तथा उनके कार्यों के बारे में जानकारी हासिल की। इस दौरान नीरज चौधरी ने नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन को योजना का लाभ मिलने पर धन्यवाद ज्ञापित किया, जिसके संबंध में नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि पीएम स्वनिधि योजना में महानगर गोरखपुर में अच्छा कार्य हुआ है। उन्होंने बताया कि महानगर में ठेला विक्रेताओं में 10,000 लोगों को लोन वितरण हो चुका है। उन्होंने बताया कि 6 मार्च तक 70,000 लोगों को योजना का लाभ दिलाने का लक्ष्य है। इसके लिए संबंधित अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी गई है। गोरखपुर के NIC हॉल में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह सहित संबंधित अधिकारी और लाभार्थी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए योजना के लाभार्थी नीरज चौधरी तथा नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह ने कहा, 3 तारीख को आप तीन लोग अंजू शर्मा कौन है? मैं अब सर अपन के सचिव और हमारा आज जो 12 वर्ष के बारे में प्रदान कर रहे हैं। पिछले 15 दिनों में सर 15 PM स्वनिधि स्कीम के बारे में हम लोगों ने बहुत प्रयास किया है। योजना के लोन डिस्बर्समेंट मेला के इस आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्यक्रम में इसकी सदन कर रहे हैं माननीय मंत्री जी नगर विकास एवं मंत्री है गरीबी उन्मूलन आदरणीय माननीय टंडन जी, हमारे बीच में मौजूद सेक्रेटरी स्पेशल सेक्रेटरी और डायरेक्टर्स जो इस योजनाओं को लीड कर रहे हैं। 17 नगर निगम आज इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए हैं और 5 मंडल मुख्यालय की नगर पालिकाएं हैं आजमगढ़, नादा, बस्ती, मिर्जापुर और गोंडा, वो भी इसमें जुड़े हुए हैं। और हम लोगों ने अनुरोध किया था कि जो नया निर्णय किया गया उसमें जो कोसी लोकल बॉडीज मीडियम स्तर के जो भी अधिकारी उन्हीं को परियोजना निदेशक पूजा का भी अनिवार्य रूप से चार्ज किया जाए, तो अगर कहीं कोसी लोकल बॉडीज नहीं अभी मौजूद है कार्यक्रम में तो टेलीफोन करके उनको बुलवा लें, जिससे कम से कम 5 नगर पालिकाओं में कोसी लोकल बॉडीज की सहभागिता अभी समय से शुरू हो गई है। अगर कहीं जिलाधिकारी इस कार्यक्रम में मौजूद है तो उनका मैं स्वागत करता हूँ। जब आपकी बारी आए तो आप बता सकते तो हम लोगों को भी एक अच्छा लगेगा कि कई जिलाधिकारी ने इस कार्यक्रम में प्रदान किया। इसमें ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और इसमें जैसा अभी सेक्रेटरी साहब ने बताया 7 लाख का डिस्बर्समेंट हमको अगले महीने में पूरा कर लेना, होली आ जाएगी तो 25 दिन में आपको ये डिस्बर्समेंट पूरा करना है। अभी जो स्थिति है वो स्थिति है लगभग 4,85,000 इतना डिस्बर्समेंट हुआ है। सभी अगर प्रदेश के नगर निकायों को जोड़ दिया जाए तो ये 1 से 6 के बीच में माननीय मंत्री जी के निर्देशानुसार इसमें टोटल 2 लाख वेंडर्स को अतिरिक्त लोन ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया है। 2 लाख का मतलब यह हुआ कि 4,85 में अगर हम आज बैठे हैं तो 6 मार्च को अगले 6 दिन में ये फिगर हमारी लगभग 6 लाख के आसपास पहुंच जाएगी। क्रमिक ऋण वितरण जो हमारा 1 लाख इसके बाद भी बचता वो हमें काम करना है।
सात तारीख से लेकर 25 तारीख के बीच अगले 18 छह तारीख को चूंकि महिला दिवस और उसके भी कार्यक्रम चल रहे हैं, विशेष शिविर लगाया जा रहा है महिलाओं के लिए। 13 तारीख को भी भारत सरकार के निर्देशानुसार विशेष शिविर लगाया जा रहा है सबके लिए। आपका क्या नाम है? ममता। ममता, आपको पैसा मिला? हाँ मिला। क्या करते हैं? मैं ठेली लगाती हूँ। किस चीज की? जी कपड़े बेचते, कुर्ती वगैरह, ये सब चीज, छोटे बच्चों के, बड़े बच्चों के, सब बेचती। तो ये जो आपको ऋण मिला है, इससे आपको कोई सहायता होगी? आपको क्या लगता है? सहायता तो होगी। होगी? अब अच्छा चलेगा काम आपका? हाँ अच्छा चलेगा। बहुत शुभकामना है जी। हाँ प्रधानमंत्री ने बनाई थी, प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने, योगी जी ने जी। आपके बच्चे कितने हैं? मेरे दो बेटे हैं, तीन बेटियां। क्या कर रहे हैं? पढ़ते हैं जी? हाँ बच्चे अब तो पढ़ना नहीं जा रहे थे, घर से ही पढ़ाई। कारोबार क्यों बच्चों को पढ़ाई है? साल तो नहीं है। नाम है आपका? हाँ सर, मेरा जो है कुसुम कृष्णा राम कुमार नाम है मेरा। खाते में आ गया पैसा? 10,000 मुझे मिला है, कॉस्मेटिक की दुकान में कर रही हूँ, उसको बढ़ाई हूँ, अच्छे तरीके से काम कर रही हूँ सर। इससे आपको अपने काम में सहायता मिलेगी? बहुत अच्छा काम मेरा चल रहा है सर। हाँ? पैसे की आवाज तो है लेकिन कर रहे हैं उसका सजा से बढ़ा लिए काम। ये जो इसका पेमेंट है वो डिजिटल करेंगे, उसको आपको आता है मोबाइल से? हाँ सर, और पैसों की ज्यादा अच्छा है, 80,000 मिला है। नीरज, नीरज हमारा लक्ष्य 31 मार्च तक का 16,802 है। 16,802 के सापेक्ष हम 12,500 डिसबर्समेंट अचीव कर चुके हैं, जो 74% आता है। हम ये कोशिश करेंगे कि जो हमें लक्ष्य दिया गया है हम उससे भी आगे जाएं सर। 16,802 करने के लिए हमें 4,000 करने हैं अगले 31 मार्च तक, अगले 6 दिन में वो हम लोग कर लेंगे होपफुली, बल्कि उससे ज्यादा करेंगे सर। हमारे पास गोरखपुर देखिए, आपका काम अच्छा है, लेकिन आपको नंबर 3 पर, नंबर 1 पर ग्रेटर वाराणसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, नंबर 2 पर निजामाबाद, आप नंबर 3 पर हैं। तो ये डेटा आपके पास होगा जी सर। इसको आप हर हालत में नंबर 1 रहना है राष्ट्रीय स्तर, 1 से 10 लाख के बीच वाले शहर, ठीक है जी सर? यस। नमस्कार सर। नमस्कार जी सर। आपके खाते में पैसा आ गया? जी सर आ गया। तेज बोलिए जी सर। आ गया बताइए जी सर। आप बताइए कौन से हैं जी सर? आप जी सर, क्या करते हैं सर? ठेला लगाते हैं सर, फास्ट फूड का। अच्छा जी सर। अब इससे सहायता मिलेगी आपको उसमें? जी सर थोड़ा बहुत में जी, थोड़ी बहुत जी मिलेगी सर। कोई दिक्कत तो नहीं हुई आपको ये पैसा प्राप्त? नहीं नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं हुई सर जी सर। आसानी से मिल गया जी सर। डिजिटल पेमेंट यूज करते हैं आप? सर अभी तो नहीं करते थे, लेकिन अब से सर ट्रेनिंग जो दी गई है हमें, पहले जानकारी नहीं था, अब जानकारी हो गई है, अब करेंगे आगे से सर। आगे जी और इससे आपको इसमें अभी फायदा होगा जी सर, इसमें आपको एक्स्ट्रा प्रोत्साहन राशि मिलेगी जी जी ना? जी सर आगे सर पेमेंट लेंगे सर जी सर। शुभकामनाएं सर। थैंक यू सर। ये नीरज चौधरी, आज आपसे माननीय मंत्री जी ने बात की है, क्या बात की है? माननीय मंत्री जी ने मतलब हमसे पूछा कि आपको जो लोन मिला है कि आपको आसानी से लोन मिल गया? हमने कहा जी सर लोन आसानी से मिल गया और हमारे काम में थोड़ी वृद्धि होगी और सर हमारा काम भी इससे थोड़ा सा आगे ही बढ़ेगा। कहाँ के रहने वाले आप? कहाँ के जी? गोरखपुर के रहने वाले हैं, मोती बुटेरा लगाते हैं। क्या लगाते हैं? फास्ट फूड का है। अच्छी बिक्री हो रही है जी जी। कहना चाहेंगे सरकार के लिए? सरकार के यही कहना चाहूँगा सर, जो ऋण जिसे ऋण हमको 10,000 का जो मिला है उससे हमारा काफ़ी लाभ हुआ है और ऋण देने के लिए उनको हम धन्यवाद कहना चाहेंगे। जनपद गोरखपुर में कितने लोगों? देखिए पीएम स्वनिधि योजना जनपद गोरखपुर में और विशेषकर महानगर गोरखपुर में, यानी कि नगर निगम गोरखपुर में बहुत अच्छा काम हुआ है और हम प्रयास कर रहे हैं कि और भी अच्छा काम हो
क्योंकि अगर हम आबादी को देखें तो आबादी की तुलना में गोरखपुर की आबादी 6,73,000 2011 में थी, अगर आज की डेट में देखें तो ये लगभग 8 लाख के आसपास बैठती है। 8 लाख की आबादी में 13,000 पथ विक्रेताओं को हम लोगों ने 10,000 रुपये के ऋण दे दिए हैं। हमारा लक्ष्य ये है कि अगले 6 दिनों में इसको 17,000 तक पहुंचाया जाए। इसके लिए सभी की ड्यूटी लगा दी गई है और हम लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार बैंकों से संपर्क में हैं, लगातार कोशिश करके इस संख्या को बढ़ाते हुए 17,000 से ज़्यादा लोगों को लाभ पहुँचाएंगे।